वाटनाघाट डुमेहर में त्रिदेव वाटिका में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वन एवं खेल युवा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार राकेश पठानिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने पीपल का पौधा रोपित कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं डॉक्टर राजेश कश्यप बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री राकेश पठानिया ने जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता राजेश कश्यप ने राकेश पठानिया को सोलन विधानसभा की समस्याओं से अवगत करवाया है। मुख्य रूप से पटवार सर्कल छावशा और कोटकदौर को ममलीग उप तहसील से हटाकर कंदाघाट तहसील में पुनः से शामिल करने के लिए आग्रह किया। वहीं भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि आज भाजपा त्रिदेव कार्यकर्ताओं ने 420 पौधे रोपे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी पौधे रोपे गए हैं वे फल देने वाले पौधे हैं। उन्होंने कहा कि वनों के वैज्ञानिक दोहन से अनेक ऐसी औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त की जा सकती है जो असाध्य रोगों की दवाएं बनाने में काम आती है। उन्होंने ऐसे वृक्ष रोपित करने पर बल दिया जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने के साथ साथ आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी सहायक बन सके। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री ने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक्स में भारत द्वारा 7 पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। हमारे पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और उनको हम अब न्यू टेक्निक्स के साथ हम उनको डेवलप कर रहे हैं। अब जैसे हमने पिछले दिनों में सर्वे कराया तो हमें 136 से ऊपर जो स्नो लेपर्ड्स के पेयर्स को हमने स्पॉट किया, ट्रैप किया और कैमरा ट्रैप्स में उनको रिकॉर्ड किया। इस तरीके से हम बड़ी अब हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने इस बहुत ही प्रीशियस सेंचुरीज को जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। आज का वन महोत्सव त्रिदेव के रूप में मनाया गया। एक बूथ से 3 लोगों को बुलाने का जो निर्णय था, मैं मंडल सोलन का उस पर धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि पहली बार किसी ने हिमाचल प्रदेश में त्रिदेव के रूप में जो है जो आज एक पौधारोपण करने का अभियान चलाया है, इसके लिए बधाई के पात्र है। मैंने उस युवा से मैंने बात की है, उसे टोक्यो में मेरी बात हुई, 2 बार मेरी उससे बात हुई है और उसको हमने जयराम ठाकुर जी ने 1 करोड़ रुपये की घोषणा उसको देने की तुरंत हमने फैसला किया है। जैसे हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी को चेंज किया है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को पहले 50 लाख देते, अब उसको हम 1 करोड़ रुपये देंगे और इसी तरीके से हम उसको एक डायरेक्ट DSP का क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट भी जो है हमने उसको ऑफर की है। अब जैसे वो अगले कल आएगा वापस टोक्यो से, उसके बाद उसका अभिनंदन स्वागत चंबा में करेंगे, उसके लिए मैं खुद पर्सनली वहाँ पे जाऊँगा। सर मेरा एक सवाल था जी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।